मुझसे मत पूछो ना, है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं तैयार हो गई थी तो मैंने सोचा चलो अब यहीं से ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तैयार हो गई थी को मतलब ये नहीं कि तैयार होने पे ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मेरा मतलब ये था कि डेली रूटीन का तो जो रहता है वो हमेशा ही दिखाती हूँ। आज मैं जा रही थी चाहत के कोचिंग में, मतलब पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं वहाँ जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत बाहर का भी शूट कर लूँ, तो इसलिए मैं मतलब यहीं से ब्लॉग स्टार्ट की। तो फिर चलिए चलते हैं। और ये देख लीजिए, आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं हाथ से, पूरा पूरा भरा हुआ है, मतलब एक परत की तार नहीं, तीन चार लाइन की तार है पूरी। हाँ ठीक है, तो सब पूरी भरी हुई है। और चाहत अभी ट्यूशन सॉरी चाहत अभी स्कूल से नहीं आई है, तो चाहत आएगी स्कूल से 4 बजे तक। थोड़ी बहुत ज़्यादा ठंड के कारण स्कूल 9:30 बजे से लगने लगी है, तो छुट्टी होती है 3:40 में। तो वही दीदी के पेरेंट्स मीटिंग में, तो बस अब चाहत 4 बजे आएगी और अभी 3 बज रहे हैं। तो ये भी आए थे खाना खाने के लिए अभी, तो मैंने कहा कि चलो उधर ही थोड़ा सा मिल लेते हैं, मैम से बुलाई है। गीला, अच्छा सूज गीला हो गया है, सूखेगा? हाँ पहन लो, सूख जाएगा अभी, थोड़ा सा ऊपर ऊपर गीला है। तो बस चलिए चलते हैं, और कपड़े ऐसे डले रहने दूंगी क्योंकि अभी 15 मिनट से ही मैं वापस आ जाऊंगी। तो बस अभी लौट के आऊंगी, तो थोड़ी थोड़ी धूप भी है, अभी 3 बज रहे हैं तो अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी है, जब तक कपड़े सूखते रहेंगे। चलो चाबी, आनब की तो छुट्टी है आजकल, क्यों आनब? मजे है ना, घर में रहने को मिल रहा है, खेलने को खूब। मैं कब आऊंगा तो जब लौट आऊंगा खेलोगे ना? हाँ जब मैं लौट के आऊंगा खेलोगे ना? हाँ जब लौट के आओगे तो खेलोगे। मैं तो अभी दूध ही नहीं पिया था। हाँ अभी बोर्नवीटा दूध पिलाती हूँ इस टाइम पे, तो बोल रहा मैं तो अभी दूध भी नहीं पिया था। और मुझे लग रहा है जल्दी से मिल के आ जाऊं मैम से, अभी धूप है, फिर आनव के लिए लेके जाना है ना, बहुत ठंड रहती है। BTS गार्डन? हाँ। अच्छा हमको पता था आप यहाँ आओगे तो बस BTS के लिए बोलोगे। मैं पहुँच गई थी मैम से मिलने के लिए, पर ना जो फीस लेके आई थी देने के लिए तो वो तो इनके पास ही रह गई थी और ये चले गए थे, तो मैंने सोचा फिर से इनको कॉल किया कि ये आ जाए। समझ गए थे मैं जब सीढ़ी चढ़ने लगी तो मुझे याद आया कि फीस तो ली नहीं। चलो गोदी, देखो छोटा सा डॉगी, आओ जल्दी, इसको यहाँ भी इतना मजा आ रहा है, आओ जल्दी वापस से चढ़ता है उतरता है। बस बेटू नहीं, मैं जा रही हूँ, चलो चलो मैं जा रही, गार्डन जा रही, गार्डन जा रही, चलो 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 चलो। पहुंच गया इसको ना, जब भी मैं इधर आती हूँ तो ये इंडियन कॉफी हाउस के पीछे ये वाला गार्डन है PTS का, चिल्ड्रन पार्क नाम दे दिए हैं अभी, वैसे इसको PTS गार्डन बोलते थे। तो ये पहुंच गया बस। हाँ अब कौन करेगा राउंड राउंड, मेटो कौन करेगा राउंड राउंड? नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। ये कोई गाली चलाने वाला नहीं है, अब एक गाली चलाओगे तुम। तो
बस मैम से मिलके आ गई हूँ, तो ये पास में ही गार्डन है, तो बस आना यहाँ तक आए और गार्डन में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ क्या, फिर से बोल दो, फिर से बोल दो। सभी ने मेरे को लाइक कर दे, सिर्फ कमेंट कर ले, उसको लाइक करके लाइक भी कर लेना, कमेंट भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे को ना मेरे। चलो बैठो बैठो। कैसी बैठूं मैं? इधर से चढ़ जाओ, इधर से गिल तो जाएगा। मैं गिल तो जाएगा ना, सच में गिल जाऊंगा ना। गिल जाऊंगा ना मैं? नहीं गिलोगी यार, तो वाल दिया। हमार हाँ, देखो तो डूले को, अरे गोली डूले को, इनको वो कैसे कर रहा है? वो अपने आप ही हिल रहा है। टिक 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 कर रहा है। हाँ तुम्हें कोई बैठा होगा, भूत देता होगा। ये भूत वाले शॉर्ट्स देख देख के वो टिक 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 वो वाला, वो जो है ना ये छोटा सा टिक टिक घोड़ा, ये वो अपने आप ही हिल रहा है, तो कहता है कि भूत भूत बैठा होगा। मैं दिख रही हूँ। और गाइस ये चूर झूल रही है। बोलो बोलो। झूल में ले लिए इन लोग को, अब इनको कौन से झूल में झुलाने लग रहा हूँ, तो कौन से झूल में झुला लूंगा। पास में आ गया मैं गाइज, और गाइज में ना क्या कहना हूँ मैं, कि इतने सारे झूले बच्चे को मैं झूलने नहीं दे रही थी, मैं वो गलने जाना है। आना ब्लॉग कैमरे से हाथ हटा लेना, आना ब्लॉगिंग कर रहा है। मेरी अच्छे देखना कैमरे में, मैं दिख रही हूँ। आएगी नी नंदी नंदी तो मैं दिन शिवी नो दिन नंदन ते मेरी वन में नो दिन वानी चुपिसनो ब्लाचने के नते बागापति ऐसी ने कंटा को तुम मैंने बुगुरी को तुम बुगुरी तो ते जय जय हे मने चाच मामे कलमिया का पाल छिन छेला छुते हिला भी नहीं पाओगे है ना। हाँ चलो अब करवाएगी री नंदिनी। हाँ मुझे देखो। तो फ्रेंड्स मैंने ये वाले एक्सरसाइज किया, अनब कहता अनब तो इतनी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहा था, बट क्या बताऊँ उसकी ना छोटी छोटी उंगलियाँ जो है तो कैमरे में आ गई, इसलिए अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो मुझे कहता गाइस देख लीजिए मेरी मम्मा झूलू झूल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था उसकी ब्लॉगिंग करना, बट क्या करूँ पूरा कैमरे पर हाथ रखा था, इसलिए मैं उस चीज़ को अब नहीं अपलोड कर सकती हूँ। चलो बेटो चले चलो, चाहत होती तो अच्छे से यहाँ पर का ब्लॉग शूट हो जाता, बट ओ गड्ढा था, बट हो गया। अब जा रही हूँ, चाहत भी स्कूल से आ गई होगी, अनब तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तो कहीं इस झूले में कहीं उस झूले में वहाँ पहुँच गया। बेटो चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और क्या हुआ आई तो चाहत भी आ चुकी है घर में, और ट्यूशन के लिए तैयार भी हो गई है, तो जल्दी जल्दी मैं नहीं थी तो देख लीजिए खाना भी नहीं खाई है, बस ऐसे ही ट्यूशन चली जा रही थी, तो बस अब जल्दी से इसको खाना खिला दूँ और इसके बाद ये जाएगी ट्यूशन। लो पकड़ो मोबाइल में, कपड़ा उठा लो। बात रही थी कैसे डांटा रही थी, कैसे डांटा रही थी, कैसे डांटते हैं, कैसे डांटते हैं।
बहुत ठंडी है, चटाई नीचे बिछा के रखना पड़ता है तब खड़ी होती हूँ। और तो मैं चाहत की कोचिंग गई थी, वहां से आ गई घर। घर भी आने के बाद मतलब कपड़े उपड़े निकाली और बज तो गए थे 4:30, बट मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी, लेट गई थी। और अभी अब रात को 7 बज रहे हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे, बीर के आने का टाइम है, अभी आए नहीं है। तो चाहत आना को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, तो चाय मैं पी लूंगी, बीर के लिए भी रख दूंगी और चाहत आना के लिए भी दूध वगैरह गर्म कर दूंगी। और आज मुझे बनाना है मूली के पराठे, तो ये देख लीजिए मूली को धो के छील के और रख ली हूँ, तो मूली किसूंगी। और हाँ बेटू, हाँ, और इसमें लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट बनाना है, तो सब धो के कट करके डाल दी हूँ, बट पता नहीं मिक्सर को क्या हुआ तो उल्टी चल रही है, मीन्स जब उसकी बटन ऑन करती हूँ ना, स्विच ऑन करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन आज वो ऐसे घूम रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी रख दी हूँ, आ गए देखो चाहत पापा, तो बस अब देखती हूँ बीर आएंगे तो उनसे बनवाऊंगी, नहीं तो फिर इसको ना ग्लास में रख के और कूट दूंगी, क्योंकि मेरे पास वो सिलबट्टा भी नहीं है। और चाय भी बन गई है, तो चलिए आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, मैं चाय छानती हूँ, बीर भी आ गए हैं, चलिए दिखाती हूँ। नहीं लेके आए पापा जेम्स, ये जब भी आते हैं ना तो डेली स्कूटी की डिग्गी खुलवाता है, जैसे कुछ लेके आए हो। क्या लेके आए, दिखा 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 दिखा, देखो रात को फ्रूटी लेके आए इतनी ठंड में, देख लो। और अभी चाहत लाके और पी भी चुकी है एक फ्रूटी, हम फोन नहीं लगाए तो क्या आप रात को फ्रूटी लेके आओगे, देख लो कितनी ज्यादा ठंड है, फ्रूटी लेके आए हैं। और ये चाह आनब को तो मैं हमेशा बोन वीटा देती थी, बट ये चाहत के लिए आया होगा, चाहत और आनब दोनों ही पियेंगे, बट मैंने सोचा चाहत की हाइट में मुझे थोड़ी लग रहा था, जैसे एज के हिसाब से उसकी हाइट थोड़ी कम सी लग रही है, तो मैं फिर ये मंगवाई हूँ कंप्लेन। तो गाइस ये देख लीजिए मैं मूली को किस ली हूँ, और अब मैं इसमें मिला दूंगी 1.5 चम्मच नमक, और इसको मैं मिला के और कुछ देर के लिए रख दूंगी, तो इसका जो पानी होगा तो ये निकल जाएगा, और फिर कपड़े से छान दूंगी। और चलिए जब तक मैं इधर आटा लगा लेती हूँ, तो आटे में भी थोड़ा सा नमक मिला के ही लगाऊंगी। थोड़ा सा ये ऑयल लगा के रख दी तो एकदम चिकना हो गया है, और इसको भी काफी टाइम हो गया, मतलब 5-10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसको मैं छान लेती हूँ। काफी सारा जूस निकल रहा है, नमक लगा के रख देने से यही बात है कि जो निकलना है इसका जूस ना वो पहले ही निकल जाएगा, तो जब बाद में हम इसमें नमक मिलाएंगे, हालांकि हम मिलाएंगे नहीं नमक क्योंकि इसमें काफी सारा नमक डाले थे, फिर आटा में भी डाले हैं, तो इसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, है देखती हूँ। ये देख लीजिए साइड हो जाओ थोड़ी, ये देख लीजिए लग रहा होगा कितना थोड़ा सा है ये, बट ये देखिएगा इतनी सुंदर बॉल बन गई है, क्या है। तो और इधर देख लीजिए इतना सारा जूस निकला है इसमें, आधी टिफिन भर के। तो बहुत लोग इसका यूज करते होंगे, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आटा में पहले ही गूंथ दी हूँ। आनब देखने आया है जूस को, दिखाओ
तो चलिए अब मैं इसका प्रोसेस शुरू करती हूँ। ये कौन? ये तो जूस नहीं था, ये तो बहुत वाइट वाइट दिख रहा है, गुट्टा गुट्टा। तो मैं अब इसमें सबसे पहले मूली का पराठा आना, थोड़ी चुप हो जाओ ना। तो इसमें मैं कलर के लिए थोड़ी सी मिला रही हूँ हल्दी, और इसके बाद मिला दूंगी मैं धनिया पाउडर 2 चम्मच, और थोड़ी सी अमचूर भी मिलाऊंगी इसमें। और जीरा भी मिला दूंगी 1 चम्मच के करीब। सूख के मिला रही हूँ क्योंकि जीरा और अजवाइन एक ही तरह का दिखता है, थोड़ी थोड़ी और सॉफ्ट, तो मुझे लगता है क्या मिला रही हूँ। और ये थोड़ी सी मैं अजवाइन भी मिला दूंगी इसमें, और नमक मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि नमक तो ऑलरेडी इसमें पहले से मैं मिलाई थी बहुत सारा, और आटा में भी तो कहीं ज्यादा ही ना हो जाए। तो चलिए अब इसको मैं अच्छी तरह से बना लेती हूँ इन्फ्लेमेटर। और ये देखिए ये पीस गया था, तो मिक्सर का जो स्विच है वो निकल आया था मेरे से, तो मैं उसको उल्टा लगा दी थी तो उल्टा घूमने लगी थी, तो अभी रख के फिर उसको सेट किए हैं। तो ये फिर अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, और 2-3 कली में वैसे लहसुन का भी मिला दी हूँ। और धनिया पत्ती भी डाल दूंगी, और बहुत लोग इसमें कुछ मूली के पत्ते भी डालते हैं, बट ये वाली जो मूली थी ना इसके मूली के पत्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि ये थोड़े कड़क कड़क वाले पत्ते थे, वो जो सॉफ्ट पत्ते आते हैं उसका ठीक रहता है। तो चलिए अब ये भी बन गया है, तो मैं अब तवा चढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं पराठे को बेल करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटे को तोड़ के और उसका एक बॉल बना ली हूँ, और इसके बाद उसको एक कटोरी नुमा शेप दे दी हूँ, और इसके बाद उसमें ना 3 चम्मच मसाले भरती हूँ। ज़्यादा मसाले रहते हैं इसके बाद भी, आप लोग देखिएगा बिल्कुल भी पराठा कटेगा फटेगा नहीं और चिपकेगा भी नहीं। इतने अच्छे पराठे बने थे कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना अच्छा पराठा बना ली थी, क्योंकि मैं बनाई तो पिछले साल भी थी, बट थोड़ा बहुत वो चिपकता है और फटता भी है, बट इस बार कुछ भी नहीं हुआ था। और इसकी खास बात ये थी कि जब मैं मूली किसी थी तो उसमें नमक मिला करके रख दी थी, और नमक मिलाने से उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया था। आप लोगों ने देखा होगा एक टिफ़िन से कम, मतलब आधे टिफ़िन से तो ज़्यादा ही रहा होगा, बहुत सारा पानी निकला था, जिसकी वजह से एकदम से गीला हो जाता है। और पहले मैं एक और तरीके से बनाई थी कि मूली को किस के और उसको भून ली थी, मतलब सारे मसाले वगैरह डाल के उसको भून ली थी और इसके बाद बनाई थी, बट उसमें ना अजीब सी खुशबू आ जाती है और वो भी पिचपिचा सा बनता है, बट ये वाला तरीका मुझे सबसे सही लगा। तो फिर देख लीजिए यहाँ पर मैं दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ पराठे बेलने के। मैं 2 तरीके से बना रही हूँ, तो एक को कटोरी जैसा बना के और इसके बाद फिर भरी थी, और इस वाले को थोड़ा रोटी जैसा बेल ली हूँ, और इसके बाद इसको ऐसे इसका बना दूंगी, प्लेट्स बना दूंगी ऐसे। फटा ये वाला भी पराठा नहीं है, एकदम अच्छे से बन गया है, और थोड़ा मोटा रहना भी चाहिए, मतलब मसाला भी मैं ज्यादा भर रही हूँ। और ये देख लीजिए ये भी एकदम से अच्छा बना है, मेरी ना चिमटा पास में रखा रहता है लेकिन पकड़ने की आदत नहीं है, पूरा हाथ से ही मैं पूरा काम कर डालती हूँ। तुम आ गई। तो फ्रेंड्स
देख लीजिए मूली के पराठे मेरे बन गए हैं, और जब मैं बनाना शुरू की थी ना तब थोड़े पतले पतले बन मोटे मोटे बन रहे थे, इसके बाद इतने अच्छे पतले पतले बने हैं कि मुझे खुद विश्वास नहीं था। और ये देखिए कितने बड़े बड़े भी बन गए हैं, ये देख लीजिए, बिल्कुल नहीं कहीं से फटे हैं ना कुछ हुए हैं, एकदम सही पराठे बन गए, मुझे तो खुद विश्वास नहीं होता है। चटनी बन गई है, और आंवले का अचार है, और सुबह बनी थी मिक्स वेज, बनी थी आलू गोभी शिमला गाजर सब कुछ, तो ये सब्जी तो सुबह की है। तो बस हमारा डिनर रेडी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और चाट के लिए भी मैं लगा लेती हूँ, और बस यहीं पर करती हूँ ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।